प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज की इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी का बड़ा ही विस्फोटक इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। उत्तर प्रदेश में रामपुर एक गांव है जिसमें 1800 या 1500 या 2300 सिर्फ मुसलमान रहते हैं उस रामपुर गांव में, सिर्फ मुसलमान। अब 1800 रहते हैं तो भी मुसलमान है, 1500 रहते हैं तो भी मुसलमान है, 2300 रहते हैं तो भी मुसलमान है। एक भी वो लोग वहां पर हिंदू का घर होने नहीं देते हैं या किसी और मजहब के लोग वहां पर जगह जमीन नहीं खरीद सकते हैं, सिर्फ मुसलमान ही रहते हैं। और इनमें से 532 मुसलमानों को घर मिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और इन्होंने एक भी वोट बीजेपी को नहीं। ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं फिर? नहीं मुजफ्फर भाई, हमें इससे आपत्ति भी नहीं। मुझे एटलीस्ट और मेरे प्रधानमंत्री को भी इससे आपत्ति नहीं, और मुझे भी इससे आपत्ति नहीं है। देखिए वोट देना एक जनता का अधिकार होता है, उनको पसंद होगा वो वोट देंगे, उनको पसंद नहीं होगा वो वोट नहीं देंगे। प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री इस देश के हर एक समुदाय के प्रधानमंत्री है। उनका काम है योजनाएं घर घर तक पहुंचाना, जो मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहुंचाया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब सब्सिडी ले रहे हो, जब योजनाओं का फायदा ले रहे हो, जब सारी सुख सुविधाएं ले रहे हो, जब हमारे प्रधानमंत्री के तमाम योजनाओं के हिस्सेदार बन रहे हो, तो फिर गालियां क्यों देते हो गंदी गंदी? वोट नहीं देना ना, तो वोट नहीं देना। देखो असल में तो देखे वोट भी देना बनता है कि आपको वो घर बना के दे रहे हैं, आपकी बेटियों की शादी करा रहे हैं, आपकी बेटियों के लिए वो तालीम मुहैया कर रहे हैं, आपके लिए मुख्तलिफ आपको सहूलियात फराहम कर रहे हैं, तो आपको तो चाहिए वोट भी उनको दे। एक तो आप वोट भी नहीं दे रहे उनको और ऊपर से गालियां निकाल रहे हैं, और दूसरा जो आपको लालच दे रहा है, कह रहा था खटाक टका टक मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल दूं, उसको आपने वोट भी डाला और अपनी माओ बहनों बेटियों को आप जलील भी कर रहे हो रोड के ऊपर खड़ी करके। तो ये मुझे नहीं समझ आता कि जो इंडिया के मुसलमान है वो क्या, उनकी सोच क्या है और वो कर क्या रहे हैं, मुझे मेरी समझ से तो बाहर है सारा कुछ। देखिए मुसलमान भर पेट जी भर करके भारतीय जनता पार्टी का लाभ भी उठाए हैं, फायदा भी उठाए हैं, और जी भर करके मुसलमानों ने पेट भर करके हमें गालियां भी परोसी हैं बहुत गंद। आपको तो पता ही है, आपको तो कई क्लिपिंग मैंने भेजा है और आपने अपने सेशन में दिखाया भी है। अब आप सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री की मरी हुई माँ को भी ये लोग गंदी गंदी गालियां देते हैं। अब आप सोचिए कि मेरी जईफ माँ जो 5 वक्त नमाजी है उसको भी गंदी गंदी गालियां देते हैं, गंदी गंदी, मतलब पढ़ा ना जाए मुसलमान मर्द ऐसा करते हैं। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि कर्मा इज बूमरैंग, आप जैसा बोते हो वैसा ही आप पाते हो। हम लोगों ने हमेशा भारत के हर एक व्यक्ति का, हर एक जात का, हर एक धर्म का हमने भला किया, घर घर जाकर हमने योजनाएं पहुंचाई, हमने मुसलमानों को कभी भी भारत से अलग नहीं माना। भारत के 20 करोड़ मुसलमान भी हमारे परिवार का सदस्य है, लेकिन जिस तरह से हमें बेइज्जत करने का एक मुहिम छेड़ा मुसलमान मर्दों ने, आज उनकी हिजाबन महिलाएं माएं बेटियां बहुएं आज खुद रोड पर नंगे खड़ी हो गई, आज खुद खड़ी हो गई है ना। तो अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आज नाजिया इलाही खान तो रोड पर खड़े होकर के एक राहुल गांधी जी का गारंटी कार्ड का लाइन तो नहीं लगा रही है, नहीं लगाना है मुझे नहीं चाहिए राहुल गांधी का 1 लाख रुपए, मुझे देश की सुरक्षा चाहिए, मुझे देश की उन्नति चाहिए। जो देश इकोनॉमी में 3rd% पर जाएगा वहां पर कहीं ना कहीं मेरा भी उद्धार जरूर होगा, वहां पर कहीं ना कहीं मैं भी सक्सेसफुल जरूर होंगी। एंड द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मुजफ्फर भाई कि मुसलमानों को लालच की क्यों जरूरत आन पड़ी? कुरान का पहला वर्ड तो एक रहा है, मैं वकील बनी, मेरी बड़ी बहन वकील बनी, मेरी छोटी बहन MBA है, मेरी माँ टीचर रह चुकी, मेरे फादर छोटा ही मोटा एक बिजनेस चलाते हैं, खाने वाला घर में सिर्फ एक मेरा बेटा और कमाने वाले हम 5, क्योंकि हम सब शिक्षित हैं, हम सबके पास डिग्रियां हैं,
और 5 साल के बाद मेरा बेटा भी कमाएगा। तो जिस कुरान जो मुसलमान अल कुरान मानते हैं, जिस अल कुरान का पहला वर्ड ही इकरा का है, जिसमें ये कहा गया है कि पढ़ो शिक्षित हो जाओ, जिसके लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि पढ़ना है तो चीन तक चले जाओ, वो मुसलमान आज मदरसे के लिए लड़ता है, लुंगी डांस करता है, वो मुसलमान हिजाब पहनाने के लिए लुंगी डांस करता है, पर कभी भी शिक्षा के लिए लुंगी डांस नहीं करता है, कभी नहीं कहता है कि हमें यूनिवर्सिटीज चाहिए, हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए, हमें बेहतर से बेहतर स्कूल चाहिए, हमें बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग सेंटर्स चाहिए, हमें ऐसी योजनाएं दीजिए कि हम देश की सुरक्षा कर सके, हम आर्मी ऑफिसर बन सके, हमें ऐसी योजनाएं दीजिए कि हम देश में डॉक्टर बन सके और हम एक डॉक्टर के रूप में सामने आ सके, और सरकारी अस्पताल में इतना कोटा दीजिए कि मुसलमान बच्चे भी सरकारी अस्पताल में एज अ डॉक्टर खड़े हो जाए। कभी कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना। मदरसे के लिए लुंगी डांस होता है, हिजाब के लिए लुंगी डांस होता है, रोड पर नमाज पढ़ने के लिए लुंगी डांस होता है, लेकिन शिक्षा के लिए जो कुरान का पहला वर्ड है, जिस जो अल कुरान का पहला वर्ड है, उसके लिए कभी भी लुंगी डांस नहीं होता है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की कि ये हमने भारत के अंदर देखा है कि मुसलमान हमेशा से पीछे रहे, तालीम के अंदर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हो, ये सारी चीजों के अंदर मुसलमान हमेशा से ही पीछे रहा है। पता नहीं इसकी क्या वजह है, हमारे वहाँ के पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही आपको पता है कि मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन वहाँ भारत के अंदर इंडिया के अंदर तो उन्हें देखकर भी बंदे को होता है ना कि यार ये दूसरे लोग प्रोग्रेसिव है, ये आगे बढ़ रहे हैं, ये अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं। मेरी जब भी भारत में बात होती किसी से तो वो यही कहते हैं कि आप अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं, अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं, उनकी दूसरी बात ही नहीं होती, किसी से भी बात कर लो वो यही कहते हैं कि आपने और कोई काम नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाना है, आप जब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपनी नस्ल को एजुकेट करेंगे, तो आपका मुल्क खुद ब खुद जो है वो तरक्की कर जाएगा। तो ये सोचने वाली बातें हैं। इसी चीज के लिए मुजफ्फर भाई पिछले 10 साल मोदी जी ने यही कहा कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लीजिए, बदले में क्या मिला मुझे भी और मोदी जी को भी और भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार को क्या मिला? गंदी गंदी गालियां, क्योंकि हमने मुसलमानों को शिक्षित होने की बात कह दी, क्योंकि हमने मुसलमानों को डिजिटल होने की बात कह दी, क्योंकि हमने मुसलमानों को एडुकेट होने की बात कह दी, क्योंकि हमने मुसलमानों को अपने पैर पर खड़े होने की बात कह दी कि तुम खुद खड़े हो जाओ, तुम खुद शिक्षित हो जाओ, तुम खुद अपनी आवाज बन जाओ, तुम्हें किसी समाज के ठेकेदार की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी मजहब के ठेकेदार की जरूरत नहीं है। मैंने गालियां क्यों खाई? क्योंकि मैंने ये कहा कि मैं अल्लाह की मानने वाली हूँ, मुल्ला की मानने वाली नहीं हूँ। मैं 5 मौलाना को बुला करके अपने घर में अल कुरान क्यों पढ़वाऊंगी? हम पांच महिलाएं अगर घर के अंदर बैठ जाए तो एक कुरान जो है वो तो 3 घंटे में खत्म हो जाएगी, हम खुद कर लेंगे, हमें क्या जरूरत है मौलाना को बुला करके पढ़वाने की? भाई चुल्लू भर पानी में डूब करके उन मुसलमानों को मर जाना चाहिए जो अपने बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए मदरसा भेजते हैं। मैं क्या इनफ नहीं हूँ अपने बेटे को दीनी तालीम देने के लिए? तब मैं कैसी मुसलमान हूँ? जब मैं कुरान पढ़ा नहीं सकती अपने बेटे को, कुरान समझा नहीं सकती अपने बेटे को, तो मैं कैसी मुसलमान हूँ? मैं तो चिटिंगबाज मुसलमान हो गई तब तो। और यही रीजन है कि मेरा बेटा उम्र के सिर्फ 8 साल में उसने कुरान की खत्मी की और बा मायने खत्मी की, और मेरी माँ ने बैठ करके पढ़ाया, वो भी मीनिंग के साथ। कभी कभी ऐसी जरूरत आन पड़ी तो मैं जरूर बैठवाऊंगी आप लोगों के साथ, कोई भी आयत कोई भी सूरा बा मायने पूछिए, वो बताएगा आपको। वेरी गुड, बड़ी बात है। हम इनफ है, हम मदरसे में क्यों भेजेंगे अपने बच्चे को? मुल्ला क्या पढ़ा लेगा जो मैं नहीं पढ़ा सकती? वो क्या सीधा जन्नत से मुसलमान आया है और हम क्या जमीन से खुदा करके मुसलमान आए हैं? भाई हम भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, वो क्या बहुत बड़ा पाकिस्तान मुसलमान है और हम क्या नापाक मुसलमान है? हम अपने बच्चे को खुद दीनी तालीम देंगे, हम अपने बच्चे को अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, ये हम खुद पढ़ाएंगे, हमें क्या जरूरत है किसी मुल्ला मौलवी की? तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया लायक खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने रामपुर गांव की एग्जांपल देते हुए शांति दूतों की जो गद्दारी है उसको सामने लाया, जो कि 1 लाख रुपए के लिए जिन्होंने
राहुल गांधी यानी कांग्रेस को वोट दिया और अभी भी मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो लाइन में लगी हैं और 1 लाख रुपए का इंतजार कर रही हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम चैनल पर डाल चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके उसे भी जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।